एक कहानी है एक पिता की जिसके पास एक छोटा बच्चा है और इस आदमी को जोम्बी ने काट लिया है जिसकी वजह से धीरे धीरे ये भी जोम्बी बन जाएगा। अपनी पीठ पर अपने बेटे को बांध कर वहाँ से चला जाता है और एक घर के पास आता है, अपने छोटे बच्चे को बलून देता है जिससे बच्चा काफी खुश हो जाता है और वहाँ से खुले एरिया में चला जाता है और दिखाया जाता है कि वो आदमी जोम्बी बन चुका है। उसके हाथ में एक डंडा है जिसके आगे पॉलिथीन में मास्क लटका हुआ है और उसके दोनों हाथ बंधे हैं और उसने अपने बच्चे को पीठ पर बांध रखा है। अपने आगे उसने मास्क लटका रखा है ताकि उसका ध्यान अपने बच्चे की तरफ बिल्कुल भी ना जाए। वो उस मास्क को देख कर आगे बढ़ता रहता है और चलता रहता है। तभी दूर से उस पर कोई तीर से वार करता है इसकी वजह से वो आदमी नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर तीन लोग आते हैं, उनमें से एक लड़की उसके पास जाती है। वो लड़की पॉलिथीन में बंधे मास्क को देखती है, फिर उसके हाथ को देखती है कि उसने अपने आप को कैसे बांधा हुआ है और उसके पीछे उसका छोटा बच्चा था। वो लड़की उसे गोद में उठा लेती है और लड़की काफी इमोशनल हो जाती है।